So we are going to start with the new question, question number 3. If the SCF of 65 and 170 is expressible in the form of 65m minus 170, then find the value of m. यहाँ पर दो numbers provide किए गए हैं, 65 and 170. ये दो numbers हैं हमारे पास और इनका SCF find करना है हमें. जो SCF आ रहा है वो इस form में expressible है, वो इस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है और हमें एम की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, तो यहां पर हम सबसे पहले यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा यूज करते हैं. सो हमें पता है कि 117 और 65 इन दोनों का कंपैरिजन करना पड़ेगा. सो 117 इज ग्रेटर देन 65, तो ऑब्वियसली ये हमारा डिविडेंड होगा, ये हमारा डिवाइजर होगा. सो इट विल बी डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर into quotient plus remainder. Okay, this is quotient. Okay, dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. Okay, तो यहाँ पर dividend कितना है हमारे पास 170, divisor कितना है 65. Okay, now 65 how many is of 170? Ones are. Okay, and remainder will be 52. Okay, 65 ones are 65. एंड सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर एज 52 रहेगा. फिर हम 65 को इस साइड ट्रांसपोज करते हैं. अब इस 52 को यहां पर आना पड़ेगा. 52 वन्स ऑफ 52 प्लस 30. ओके, 52 अब डिविडेंड में आएगा. ओके, सो 30 फोर. ओके, तो आपके पास जो लास्ट नंबर आ रहा है जिससे आपका रिमाइंडर जीरो आया, जिससे आपका रिमाइंडर जीरो आया, तो वो नंबर कौन सा है? 13. सो देयरफॉर एससीएफ इज इक्वल्स टू 13. अब आपको बताया कि एससीएफ को किस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है, इस फॉर्म में. तो इस जगह पर हम 13 को रिप्लेस करते हैं. सो 13 इज इक्वल्स टू 65m minus 170. अब ये minus 170 इस साइड शिफ्ट करते हैं. 13 plus 170 is equals to 65m. तो इन दोनों का एडिशन आएगा 130 is equals to 65m. 65 इस साइड आएगा, 130 upon 65 is equals to m. तो आपके पास m की वैल्यू 2 आएगी. तो हमने यहाँ पर क्या किया? सबसे पहले 117 और 65 का SCF find किया by using Euclid's division algorithm. इससे हमने SCF find किया, SCF हमें 13 मिला. फिर हमने इस SCF को इस form में place कर दिया. तो SCF is equal to 65m minus 170 यहाँ पर रख दिया. ये होने के बाद हमें m की value मिली है as a 2. Okay, m की value कितनी मिली हमें? As a 2 मिली है. फिर हम अब लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग द रिमाइंडर 5 एंड 8. ओके, तो हमारे पास दो नंबर्स हैं, 70 एंड 125, और उन्होंने क्या कहा है? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, यानी एससीएफ फाइंड करना है व्हिच डिवाइड 70 एंड 125. ओके, लीविंग द रिमाइंडर्स, लीविंग द रिमाइंडर्स, रिमाइंडर्स क्या आ रहे हैं? रिमाइंडर्स एज 5 एंड 8. यानी 70 को अगर कोई लार्जेस्ट नंबर डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 5 आता है, और 125 को अगर वही लार्जेस्ट नंबर डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 8 आता है. तो हमें उस नंबर को फाइंड करना है. अब रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमें? 70 में से 5 माइनस करना पड़ेगा, तो दैट विल बी 65. एंड 125 में से 8 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब 125 माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू 170. ओके, अब इन दोनों का हमें एससीएफ फाइंड करना है क्योंकि उन्होंने लार्जेस्ट नंबर की बात कही है. ओके, सो 170 इज ग्रेटर देन 65, तो 170 इज इक्वल्स टू 65 वन्स अ 65 प्लस 52. 65 will come this side, 52 ones are 52
प्लस 30, 52 विल कम दिस साइड, 52 इज इक्वल्स टू 30, 4 सा रिमाइंडर विल बी 0. ओके, सो लार्जेस्ट नंबर SCF इज इक्वल्स टू 13. पर ये SCF 13 किसका है? SCF है 117 और 65. तो हमें ये पूछा गया था कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 70 और 125 को जब डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 5 और 8 आएंगे. तो वो नंबर कौन सा है? 13 है. जब 13 70 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5 आएगा. और जब 13 125 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 8 आएगा. ओके, सो आंसर इज 13. ओके, सो दिस वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टूडे. टुमारो विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल दिस क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन. अगर नहीं समझ में आया तो बार बार पूछो. अगर कुछ डाउट रहा तो पर्सनली आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो. थैंक यू वेरी मच.